नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भागलपुर में चल रहा है अवैध शराब का कारोबार। हाथों में झाड़ू लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। कहलगांव एनटीपीसी से ललमटिया जा रही मालगाड़ी हुई डीरेल, जांच में जुटे रेलवे अधिकारी। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा युवा जदयू, संगठन का हुआ विस्तार, कई युवाओं को मिली नई जिम्मेवारी। नागरिकता संशोधन अधिनियम पर परिचर्चा का हुआ आयोजन, भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर करेंगे लोगों को जागरूक। और नववर्ष आगमन के पूर्व युवाओं में दिखा उत्साह, सैलिस्को कार्निवाल में कई सितारों ने की शिरकत। अब समाचार विस्तार से। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद कुछ जगहों पर अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिसके कारण लोग शराब के नशे में घर पहुंचकर परिजनों के साथ मारपीट कर रहे हैं। रविवार को भुवालपुर पंचायत के पुरानी सराय गांव में महिलाओं ने हाथों में झाड़ू लेकर पूरे गांव के लोगों को घर घर जाकर जागरूक किया। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि शाम 6 बजे के बाद गाँव के 75% युवा शराब के नशे में घर पहुँचते हैं। साथ ही महिलाओं ने कहा कि गांव में कई जगहों पर अवैध शराब का निर्माण होता है। कई महिलाओं ने शराब के नशे में घर आने वाले शराबियों को झाड़ू से पीटने की बात कही। रैली का नेतृत्व सुरेश शर्मा ने किया। मौके पर प्रीति देवी, शबनम देवी, अंजलि देवी, सीता देवी, उपमुखिया कविता देवी, आशा देवी सहित कई लोग मौजूद थे। सुरेश, हम यही बोल रहे हैं कि बड़ा बुजुर्ग पीपी के तो बर्बाद हो चुका है। अब हम लोग का नया पीढ़ी है, बाल बच्चा है 12 साल का, 10 साल का, अब इस कल्चर में रहेगा तो उसको भी वही प्रभाव पड़ेगा। वो भी पिएगा ही पिएगा, साथ में घूमेगा तो, क्या कि गांव में बनता है, गांव में बिक रहा है तो पिएगा ही, बेचबे करेगा। पैसा नहीं देंगे तो घर से जेवर चुराएगा, पैसा चुराएगा। अगर गाँव में दारू नहीं बना तो उतना नहीं पिएगा, क्योंकि उसके पास पैसा हम नहीं देंगे, वो पैसा नहीं ले पाएगा। यही अभियान हम लोग छेड़े हैं और इस चीज का निदान आप लोग कीजिए सर, यही हम चाहते हैं। बन बहुत चाहते हैं करवाने के लिए, नहीं मतलब कि गांव वाला नहीं समझता है। क्या कर रहे हैं आप? क्या करेंगे सर, वही मतलब कि दारू का वो मतलब बंद करने के लिए रखे हैं। हम सब चाहते हैं कि बंद हो जाए, बेचना बंद कर दिए। बच्चा मतलब एकदम बहुत बिगड़ रहा है, सुधर जाए। हाँ, बेचता है बहुत दिन से, लेकिन मालूम नहीं काम। अभी 10 साल का बच्चा दूध का गिलास पकड़ना चाहिए तो अभी शराब का बोतल पकड़ रहा है, बहुत सारा सब। कहाँ दारू बिक्री होता है? गाँव में होता, लेकिन मालूम नहीं है हमको, गाँव में होता है, कहाँ बिकता है पता नहीं। कहलगांव एनटीपीसी में कोयला आपूर्ति करने वाली मालगाड़ी रविवार को पटरी से नीचे उतर गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार एनटीपीसी से ललमटिया की ओर लोडिंग के लिए जा रही रैक बलवड्डा छररा केबिन के समीप डिरेल हो गई। हादसे में मालगाड़ी के ड्राइवर और गार्ड की जान बाल बाल बच गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जाँच में जुट गए। 2020 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं। रविवार को भागलपुर के तिलकामांझी स्थित एक होटल में महानगर युवा जनता दल यूनाइटेड की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता युवा जदयू के अध्यक्ष नूर हसन फरीदी ने की। इस दौरान अध्यक्ष ने नगर जदयू के युवा कार्यकर्ताओं को पार्टी के उद्देश्य और संकल्प की जानकारी दी। वहीं नूर हसन फरीदी ने नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से चुने गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष और प्रवक्ता को माला पहनाकर पार्टी के नियम और कानून की जानकारी दी और सभी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन हरियाली योजना से जुड़ने की अपील की। अध्यक्ष ने नई कमेटी की घोषणा करते हुए संगठन के विस्तार पर जोर दिया। साथ ही 2 दर्जन लोगों को विभिन्न पदों की जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान युवा जदयू के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। प्रवक्ता डब्लू वहीदी ने कहा कि पार्टी ने अध्यक्ष नूर हसन फरीदी के नेतृत्व में जदयू को बूथ स्तर पर मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं संगठन से जुड़ने के बाद कार्यकर्ताओं ने एक सुर में नीतीश कुमार के कार्यों की जमकर प्रशंसा की और कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार लगातार प्रगति के पथ पर है। इस दौरान युवा जदयू के अध्यक्ष नूर हसन फरीदी ने भागलपुर में 19 जनवरी को होने वाले मानव श्रृंखला में युवाओं से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही। अध्यक्ष ने दावा किया कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीत पक्की है। मौके पर डब्लू वहीदी, दिवाकर मिश्रा, सुमन गुप्ता, मोहम्मद तबरेज, तनवीर कुंदन, सिकंदर अंसारी समेत जदयू से जुड़े कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो हमें नगर की जिम्मेदारी दी है
और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभय कुशवाहा जी ने हमें जिम्मेदारी दी है नगर की, बूथ स्तर पे नौजवानों को आगे लाकर और जेडीयू का के लिए काम करना और हमारे नगर से लेकर जिला तक जल जीवन हरियाली को आगे बढ़ाना, हजारों हजार लाखों की संख्या में पेड़ पौधे को बोना और जितने भी नगर के युवा हैं मैं उसको बूथ स्तर पर ले जाके जेडीयू को मजबूत करेंगे, माननीय नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करके बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनाने में। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रविवार को संवाद गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा किया गया। स्नेह नवजात सेवा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में भागलपुर के कई बुद्धिजीवियों ने शिरकत की और CAA पर अपने विचार रखे। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से किसी की भी नागरिकता खतरे में नहीं है, बल्कि यह कानून तीन देश में रह रहे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए लाया गया है। आज पूरा देश जल रहा है, लोग सड़कों पर हैं, अपनी अपनी बात सभी रखना चाहते हैं, लेकिन कहीं बैठ कर बात नहीं हो रही है, जबकि जरूरत है बैठ कर समस्या का हल निकालना। अभी भी कई चीज ऐसे हैं जिस पर कोई मसौदा तैयार नहीं है, किसी को यदि तकलीफ है तो उसको भी हमारे समझ उसे भी समझना हम लोगों की जिम्मेदारी है और उसमें भी सुधार की आवश्यकता है, उसको सरकार सुधार करे, इसी को एक दूसरे का दुख दर्द समझना और उसके विभिन्न पहलुओं को जानना और सीखना और इस पर लगातार मंथन कर देश को सही दिशा में ले जाना ये उद्देश्य है। वहीं कई लोगों ने NRC और CAA पर सवाल खड़े किए। सन्मार्ग के संपादक ब्रिजेन दुबे ने कहा कि आज लोगों का नजरिया बदल गया है, सरकार को CAA और NRC लागू करने के पूर्व देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने पर जोर देना चाहिए। मौके पर अजीत सिंह, सुनील कुमार, गौतम सुमन, नीतू सिंह, अनीता सिन्हा, मीनाक्षी क्षत्रिय, डॉक्टर शैलेंद्र गौरव समेत सोसाइटी के कई सदस्य और पदाधिकारी मौजूद थे। पता नहीं, हम तो NRC, CAA इन सबको बहुत जानने समझने की कोशिश की है, तो मुझे सिर्फ इतने समझ में आया कि पड़ोसी मतलब सगे भाई से बोलचाल बंद है और फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं, तो हम लोग हमेशा जो है इसी पर चल रहे हैं और बाहर से जो है हमारे भाई हैं उनको अंदर आने की बात की जा रही है और पड़ोस में जो भाई भूखा सो रहा है उसके लिए नहीं सोच पा रहे हैं, तो बाकी सब विद्वत जन हैं, समर्थक लोग हैं, उनसे जानेंगे। और दुखद स्थिति यह है कि इस देश में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है चिंता इसकी नहीं है, चिंता इसकी है कि विपक्ष मर गया। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर रविवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आस्था विवाह भवन में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के संगठन मंत्री नागेंद्र नाथ ने कहा कि नए कानून को लेकर विपक्षियों के द्वारा देश भर में दंगा कराने का काम किया जा रहा है, लोगों को भ्रमित कर सरकारी एवं गरीबों की संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून से देश के किसी भी हिंदू एवं मुस्लिम को किसी तरह का खतरा नहीं है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को टोली बनाकर समाज में जागरूकता फैलाने की बात कही। इस मौके पर MLC डॉक्टर NK यादव, जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, नभय चौधरी, अभय वर्मन, पवन मिश्रा, अमन पासवान, दीपक सिंह, श्यामलाल किशोर मिश्र सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। संशोधन कानून पर एक कार्यशाला थी, इस कार्यशाला में पूरे जिले भर के अंदर जो विपक्ष के द्वारा जो इस कानून के बारे में भ्रमित किया जा रहा है देश को, उसको उजागर करने के लिए कई कार्यक्रम तय हुए हैं, तो उसके लिए पूरी कार्य योजना इस कार्यशाला में बनाया जा रहा है और 5 तारीख से पूरे जिले के अंदर पंचायत स्तर पर इस कार्यकर्ता अपने जो है जाकर और नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जानकारी देंगे। नववर्ष के आगमन पर भागलपुर में युवाओं का उत्साह चरम पर है। शहर से लेकर गांव के युवा और कई संगठन के लोग नए साल को उत्साह और उमंग के साथ मनाने में जुट गए हैं।
वहीं खरमनचक स्थित राजमहल पैलेस मर्यादा में शैलिस्को के बैनर तले रविवार को न्यू ईयर पार्टी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर निगम की महापौर सीमा शाह, उपमहापौर राजेश वर्मा, सिटी डीएसपी राजवंश सिंह, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक भिवानीवाला, सीनेट सदस्य रामगोपाल पोद्दार, भाजपा नेता बंटी यादव, अश्वनी जोशी मोंटी समेत सैलिस्को के पदाधिकारी और आगत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद संस्था के नीरज गोयंका, जौनी संथालिया और विनीत बुधिया ने अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र, मोमेंटो और बुके देकर किया। सैलिस्को के संयोजक आदिक छावड़िया ने बताया कि कार्निवाल में बच्चों और युवाओं के मनोरंजन का विशेष ध्यान रखा गया है, साथ ही सभी लोगों के लिए लजीज व्यंजन की व्यवस्था भी की गई है। वहीं मन संचालन कर रही परिजात चक्रवर्ती ने अपने मधुर आवाज से खूब तालियां बटोरी। मौके पर जौनी संथालिया ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। अश्वनी जोशी मोंटी ने निगम प्रशासन से लीज पर जमीन मुहैया कराने की बात कही। अश्वनी जोशी मोंटी ने कहा कि भागलपुर के युवा उत्सव को महोत्सव में बदलने का हुनर जानते हैं। अशोक भिवानीवाला ने सफल आयोजन के लिए सैलिस्को की टीम को बधाई दी। वहीं मेयर सीमा शाह और डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने सभी युवाओं से नए साल के जश्न को उत्साह के साथ मनाए जाने की बात कही। मैं ये बताना चाहता हूं कि विगत 3 वर्षों से सैलिस्को कार्निवल के सैलिस्को क्लब के अध्यक्ष आदरणीय नीरज गोयनका जी के नेतृत्व में और जौनी संथालिया जी के मार्गदर्शन में जो ये सैलिस्को कार्निवल का कार्यक्रम हो रहा है, भागलपुर में कोई डिस्को नहीं है, कोई क्लब नहीं है जहां भागलपुर के युवा जाकर किसी भी उत्सव को महोत्सव में बदलने का काम कर सकता। लेकिन ये सैलिस्को कार्निवल की ये टीम है जो भागलपुर के युवाओं को एक छत के नीचे मर्यादा के इस प्रसाद में उत्सव को महोत्सव में बदलने का अवसर देती है। अभी सैलिस्को परिवार के द्वारा भागलपुर के हर वर्ग के हर युवा बुजुर्ग अभिभावकों के लिए नए साल की शुरुआत पूरे आनंद पूर्वक हो, नई शुरुआत की शुरुआत नाच गाने के साथ हो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हो। हर वर्ष इस तरीके के कार्यक्रम को युवा साथियों के द्वारा सजाया जाता है जिसमें भागलपुर शहर पूरी तरीके से अपनी सहभागिता दर्ज कराता है। मैं दिल से सैलिस्को के अध्यक्ष, सचिव और पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, सीबीएसई करिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। शानदार बैंक्वेट हॉल में भव्य शादी का आनंद लीजिए अब अपने शहर भागलपुर में। शहर के हृदय स्थल तिलकामांझी चौक पर स्थित मान्यवर बैंक्वेट हॉल अब आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। 23,000 वर्ग फीट में फैला मान्यवर बैंक्वेट हर तरह की आधुनिक साज सज्जा एवं सेंट्रली एयर कंडीशन के साथ शादी, रिसेप्शन, पार्टी एवं अनेक आयोजनों में 4 चांद लगाने को तैयार। शानदार वेन्यू एवं लाजवाब गेस्ट हाउस, बिहार झारखंड का इकलौता स्मार्ट बैंक्वेट हॉल आपके शहर भागलपुर में अब आपके लिए। मान्यवर बैंक्वेट हॉल, खुशियां बांटें अपनों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंग क्षेत्र के प्रतिभावान युवक एवं युवती को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए हिंद युवा शक्ति एवं नेहरू युवा केंद्र भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को एक निजी होटल के सभागार में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य संजय कुमार चौधरी, डीएसओ शंभू राय, समाजसेवी मनोज मीता, अनामिका शर्मा एवं हिंदू युवा शक्ति के संस्थापक प्रवीण प्रकाश व अन्य अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। सम्मान समारोह में 15 शिक्षाविदों को 2019 अंग शिक्षा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिनमें डॉक्टर प्रसून प्रकाश, डॉक्टर हर्षवर्धन दीक्षित, डॉक्टर वीना वादिनी, डॉक्टर राजेश रंजन, डॉक्टर स्मिता कुमारी व अन्य शामिल थे। मौके पर नेहरू युवा केंद्र के लेखपाल अनिल राय, अंजलि घोष, मनोज पंडित, दिलीप सिंह, जगत राम सह करण पुरी आदि उपस्थित थे। भागलपुर के नाथनगर स्थित गनौरा बादरपुर में रविवार को युवा चेतना क्लब के सहयोग से निःशुल्क जाँच शिविर का आयोजन किया गया। ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन भागलपुर इकाई की ओर से आयोजित जाँच शिविर का उद्घाटन डायरेक्टर अमर कुशवाहा, गुलाम सरवर खान एवं चेतना क्लब के उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में काफी संख्या में मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई, साथ ही दवा भी वितरण किया गया। अमर कुमार ने कहा कि जिस गांव में स्वास्थ्य सेवा का अभाव है वहां शिविर लगाकर लोगों की स्वास्थ्य जाँच की जाती है, साथ ही स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जाता है। अभय यादव ने कहा कि इस तरह के आयोजन से ग्रामीणों को काफी लाभ मिलता है। मौके पर राज आनंद, अमन कुमार, नवीन कुमार नवीन, त्रिपुरारी कुमार, सूरज, बिट्टू, संतोष, जितेंद्र, मनी, राकेश सहित कई युवा मौजूद थे। इसमें से प्राथमिक उपचार की चीजें चल रही है, ठीक है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हम लोग सिर्फ प्राथमिक उपचार के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए आए हैं, ठीक है, कि हाँ जी उनको क्या क्या बीमारी हो सकती है या कोई भी बीमारी है तो उसके बारे में बताया जा रहा है, जागरूकता अभियान फैलाया जा रहा है कि कैसे कैसे आप बीमारी से बच सकते हैं, किस तरीके से क्या मतलब अपनी साफ सफाई रखें, ठीक है, वो सारी चीज़ें रखें ताकि आप बीमारी से बच सकते हैं या प्रिकॉशन ले सकें, इस चीज़ के लिए किया जा रहा है। युवा चेतना क्लब के द्वारा आज निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर वर्ग के, हर बूढ़े जवान सभी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ करीब लगभग हजारों आदमी की जनसंख्या अभी रोगी और वो इलाज करवा रहे हैं और चेकअप करवा रहे हैं। मेरा, हम लोग का युवा चेतना का मेन ही मकसद है, एक ही मकसद है कि हमारा समाज, सब आदमी स्वस्थ रहे, स्वस्थ समाज के विकास से ही हमारा देश, समाज सब स्वस्थ हो सकते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से यहाँ पर प्रशिक्षु जो प्राथमिक चिकित्सक सभी हैं उनके माध्यम से यहाँ पर गाँव के बीच में जा कर के प्राथमिक उपचार यहाँ पर हम लोग का शिविर लगवाते हैं, जहाँ पर कि जो माइनर, जो छोटी मोटी, जो मौसम से संबंधित बीमारी है, यहाँ प्राथमिक उपचार में आते हैं, ऐसा ही उपचार हम लोग यहाँ करवाते हैं। युवा चेतना क्लब के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित है और इसमें सराहनीय योगदान है हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर अशोक कुमार आलोक सर का, जिनके प्रयास से पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का जो है स्वास्थ्य शिविर लगाया गया और बिल्कुल निःशुल्क। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं, ये स्वास्थ्य लाभ लेंगे और मेरी इच्छा है कि इस तरह का जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा निःशुल्क शिविर लगे ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। भागलपुर के नाथनगर स्थित राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय अस्पताल परिसर में रविवार को कविराज विद्या नारायण शास्त्री की स्मृति में सम्मान समारोह सह कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व प्रभारी कुलपति प्रोफेसर क्षमेंद्र कुमार सिंह, देसी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, पूरनमल बाजोरिया, बीएड कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अजीत पांडे, आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सी वी सिंह सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। वहीं अतिथियों ने कविराज द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में दिए गए योगदान को याद किया। पूर्व कुलपति ने कहा कि कविराज के द्वारा पारिवारिक चिकित्सा, आयुर्वेद में भविष्य, वैद्य और राजनीति साहित्य की कई पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। मौके पर डॉक्टर कृष्ण सिंह, सरबजीत कुमार, सुनील सिंह, ललित कुमार, ज्ञानू गुप्ता सहित कई लोग मौजूद थे। यह आज का आयोजन राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय भागलपुर के त्रिशाल में कविराज विद्यानंद शास्त्री की स्मृति में जो है ये कार्यक्रम होता है, जिसमें आज उपस्थित हैं हमारे बीच भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री क्षमेंद्र बाबू, उसके बाद सुंदरवती महिला महाविद्यालय के ये जो नीलम महतो जी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीश्वर झा जी, पटना से हमारे बीच ये जो पूरे बिहार के औषध निरीक्षक आयु ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर अशोक कुमार दुबे जी भी आए हुए हैं। वर्ष 2019 की समाप्ति को लेकर रविवार को भागलपुर के जमात इस्लामी हिंद कार्यालय में परिचर्चा आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जमात इस्लामी हिंद के प्रमंडलीय प्रभारी मौलाना फारूक नदवी ने की। इस दौरान वक्ताओं ने देश के मौजूदा हाल और मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा की।
मौलाना फारूक नदवी ने कहा कि लोकतंत्र में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं सैयद शब्बीर अहमद, मोहम्मद फारूक, एजाज नसीम, डॉक्टर अब्दुल अजीज और मोहम्मद अली ने देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम पर हो रहे विरोध पर अपनी बात रखी। मौलाना फारूक नदवी ने कहा कि एक तरफ साल 2019 में देश ने नए कीर्तिमान स्थापित किए, तो वहीं दूसरी तरफ धारा 370, तीन तलाक बिल और अब CAA और NRC से देश की जनता परेशान है। मौलाना नदवी ने मस्जिद के जिम्मेदार और समाज सेवियों से नववर्ष के आगमन पर समाज में जागरूकता फैलाने की अपील की, साथ ही जमात इस्लामी के उद्देश्य और संकल्प को दोहराया। आज हम सहाफी और अखबारी नुमाइंदगान और मस्जिद के जिम्मेदार के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। मकसद ये है कि साले गुज़िश्ता में क्या कुछ हम खोए हैं और आइंदा साल उन तमाम खामियों से कैसे बचें। तो हमारा ये मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुक से हो, चाहे मुल्की सियासत के ताल्लुक से हो, चाहे पब्लिक की बुनियाद पर हो, ज़्यादातर हमने खोने का कड़वा मज़ा चखा है। गांधी शांति प्रतिष्ठान में रविवार को सामाजिक न्याय आंदोलन द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान बहुजन स्टूडेंट यूनियन बिहार के सोनम राव और आशीष ने कहा कि 8 जनवरी को तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र हड़ताल को सफल करने भारी तादाद में भागलपुर स्टेशन चौक पर पहुंचेंगे और CAA NRC एवं निःशुल्क शिक्षा जैसे मांगों पर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। मौके पर रामनंद पासवान, अर्जुन शर्मा, रिंकू यादव, सौरभ राणा, गौतम कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। भागलपुर पेंशनर समाज के सचिव कपिल देव राय के निधन पर रविवार को नाथनगर पेंशनर शाखा की ओर से शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पेंशनर समाज के लोगों ने कपिल देव राय के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके द्वारा दिए गए योगदानों को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि कपिल देव राय बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति थे, जिनका आकस्मिक निधन पेंशनर समाज के लिए बड़ी क्षति है। मौके पर उमेश प्रसाद, रामनंद ठाकुर, महेंद्र वर्मा, नागेश्वर दास सहित कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम है बिहार पेंशन समाज शाखा नाथनगर की ओर से जिला सचिव कपिल देव राय के निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया है। कपिल देव राय भागलपुर जिला पेंशन समाज के सचिव थे। इसके अलावा वो बिहार पेंशन समाज पटना के वो संगठन सचिव थे और वो अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ पेंशनर संघ दिल्ली के वो बिहार का प्रतिनिधित्व करते थे। वे कर्मठ जुझारू नेता थे। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड में रविवार को रालोसपा किसान प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष नागेश्वर सिंह ने की। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने तपेश बंजारा को किसान प्रकोष्ठ का महासचिव, विनोद कुमार को पंचायत अध्यक्ष, राकेश यादव को प्रखंड महासचिव एवं दिलीप दास को मीडिया प्रभारी का दायित्व सौंपा। मौके पर रालोसपा के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर कुशवाहा, चक्रधर प्रसाद सिंह, गोपाल प्रसाद सिंह, आनंदी प्रसाद सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। कहलगांव सर्वदलीय समिति का एक वर्ष पूरा हो गया, जिसको लेकर रविवार को गांगुली पार्क विक्रमशिला बिहार में स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में SDO सुजय कुमार सिंह एवं BDO विजय कुमार सौरभ ने एक वर्ष के दौरान सर्वदलीय समिति द्वारा सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्यों की जमकर सराहना की। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष प्रवीण कुमार राणा, पवन भारती, नितिन कुमार, रिंकू सिंह रघुवंशी, प्रखंड प्रमुख नूतन देवी सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। कहलगांव अनुमंडल के बुद्धू चक गांव में रविवार को जरूरतमंद लोगों के बीच 500 कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान भोला झा ने बताया कि पिता स्वर्गीय सत्यनारायण झा की पुण्य स्मृति में कड़ाके की ठंड को देखते हुए गांव के गरीब एवं असहाय लोगों के बीच कंबल बांटा गया है। उन्होंने कहा कि उनके पिता भी प्रत्येक वर्ष गरीबों के बीच ठंड के मौसम में कंबल वितरण करते थे। इस दौरान वार्ड पार्षद एवं काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। भागलपुर जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में सैंडिस कंपाउंड क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे जिला क्रिकेट सुपर लीग के फाइनल मैच में रविवार को नवीन क्रिकेट क्लब ने भागलपुर क्रिकेट क्लब को 2 विकेट से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमा लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भागलपुर क्रिकेट क्लब की टीम ने निर्धारित 30 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाए। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी नवीन क्रिकेट क्लब ने 2 विकेट शेष रहते जीत दर्ज कर ली। टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले आदित्य आनंद को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। अंपायर की भूमिका मनोज गुप्ता और अभय ने निभाई। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भागलपुर में चल रहा है अवैध शराब का कारोबार। हाथों में झाड़ू लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। कहलगांव NTPC से ललमटिया जा रही मालगाड़ी हुई डिरेल, जांच में जुटे रेलवे अधिकारी।
आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा युवा जदयू, संगठन का हुआ विस्तार, कई युवाओं को मिली नई जिम्मेवारी। नागरिकता संशोधन अधिनियम पर परिचर्चा का हुआ आयोजन, भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर करेंगे लोगों को जागरूक। और नववर्ष आगमन के पूर्व युवाओं में दिखा उत्साह, सेलिस्को कार्निवाल में कई सितारों ने की शिरकत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।